स्वदेश वाणी। पिछले 1 दिसंबर की शाम को लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर की देर शाम ओम प्रकाश स्वर्णकार हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में 2 अज्ञात अपराधियों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने बरहरवा थाने को जानकारी देते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन कर घटना के मात्र 48 घंटे के अंदर ही इस लूट की घटना में शामिल 3 लोगों को एक देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महादेव मंडल, पंकज स्वर्णकार और किशोरी हजारी के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी और निशानदेही पर लूटे गए सामानों को भी बरामद कर लिया गया है। स्वदेशवाणी के लिए साहिबगंज से सचिन केजरीवाल की रिपोर्ट। बीते दिनांक 1 दिसंबर को सिरासिन राधानगर रोड में संध्या के समय एक स्वर्ण व्यापारी से उसके मोटरसाइकिल लूटने की घटना घटित हुई थी, जिसके संदर्भ में बड़हरवा थाना कांड संख्या 221 दर्ज की गई तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़हरवा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम ने बहुत ही जल्द 48 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन सफलतापूर्वक किया है तथा इस कांड में सम्मिलित अपराधियों 3 अपराधिकारियों की गिरफ्तारी की गई है तथा उसमें लूटे गए मोबाइल, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान बरामद किए गए। साथ ही इनके गिरफ्तारी के दौरान एक अवैध हथियार भी मिला है, जिसकी भी बरामदगी की है। यह टीम बधाई के पात्र है। इसमें गिरफ्तार किए गए लोग का नाम महादेव मंडल, पंकज स्वर्णकार और किशोर हजारी है। इन सभी का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है और ये पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, अभी नहीं हुआ, हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। और आरोपी बाकी है या? अभी तक तो यही 3 के नाम आए हैं जो तीनों गिरफ्तार कर लिए गए और लूटी गई मोबाइल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और मोबाइल भी है ये उनका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।